Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, आपने सुना होगा it means यह या वह होता है, but it का इस्तेमाल हम किन हालातों में और किस तरह के sentences के लिए करते हैं, आज हम यही सीखेंगे. तो let's start the class of the day. Friends, आज की टॉपिक है इंट्रोडक्टरी इट. मैंने इससे पहले आपको इंट्रोडक्टरी देयर भी पढ़ाया था. तो इंट्रोडक्टरी इट का मतलब क्या, जिस सेंटेंस की शुरुआत इट से होती है उसको हम इंट्रोडक्टरी इट बोलते हैं. तो हम इट का इस्तेमाल किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं आज वो हम सीखेंगे. तो चलिए आइए. कम मैंने पहले से लिख कर रखा हुआ है ये इंट्रोडक्टरी इट. तो फर्स्ट द फर्स्ट पॉइंट, दिन तारीख समय अंतर और मौसम बताने के लिए जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें हम इट से शुरुआत करते हैं. ठीक है फ्रेंड, समय दिन तारीख अंतर और मौसम बताने के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे अभी 3 बजे हैं तो इट इज़ 3 o'clock. कभी भी हम समय, जब भी हम समय बताते हैं इंग्लिश में तो वहाँ हम इट का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं. समय दिन तारीख अंतर और मौसम, इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए हम इट का ही इस्तेमाल करते हैं. ठीक है फ्रेंड, क्या कल छुट्टी थी, तो वॉज इट हॉलीडे यस्टरडे. ठीक है फ्रेंड, काफ़ी सारे स्टूडेंट लिखते हैं वॉज यस्टरडे हॉलीडे, बट इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ ग्रामेटिकली रॉन्ग. समझने के लिए ठीक है बट इट इज़ ग्रामेटिकली रॉन्ग. तो वॉट इज द राइट, वॉट Was it holiday yesterday? ठीक है, आज रविवार है तो आज रविवार है, हम क्या आज की बात कर रहे हैं, दिन की बात कर रहे हैं. तो it is Sunday today. हम ऐसा बोल सकते हैं कि today is Sunday, but it will be wrong. Okay? तो it is Sunday. आज 10 अगस्त है, हम तारीख की बात कर रहे हैं, तारीख. तो तारीख, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिन तारीख समय अंतर और मौसम बताने के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये तारीख की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम इट की इस्तेमाल करेंगे. तो इट इज़ 10 अगस्त टूडे. बाहर बहुत गर्मी है, मौसम की बात कर रहे हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द वेदर, वेदर. ठीक है, इट इज़ सो हॉट आउटसाइड. आज दिन क्या है, व्हाट डे इज इट टूडे, व्हाट डे इज इट टूडे. ठीक है फ्रेंड, कल बहुत ठंड थी, इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे. अब ऐसा नहीं लिखना कि यस्टरडे वॉज वेरी कोल्ड. ठीक है, बोलचाल में चलता है समझने के लिए, बट इट विल बी ग्रामेटिकली रॉन्ग. सो यूज ऑलवेज इट. तो इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे. मुंबई कितनी दूर है, हाउ फार इज इट टू मुंबई. ठीक है फ्रेंड, तो ये रहा समय दिन तारीख अंतर और मौसम बताने के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं. अब हम सीखेंगे नेक्स्ट स्टेप. आइए, अभी सेकंड नंबर पर है अव्यक्तिवाचक, मींस इम्पर्सनल. जब भी हम इम्पर्सनल सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे, अव्यक्तिवाचक सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे, उसे भी हम इट से शुरुआत करेंगे. जैसे वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही है मींस इट इज रेनिंग. बर्फ गिर रही है, इट इज़ स्नोविंग. ओले गिर रहे हैं, इट इज़ हेलिंग. गड़गड़ाहट हो रही है, इट इज़ थंडरिंग. अंधेरा हो रहा है, इट इज़ डार्केनिंग. कल बहुत बारिश हुई, इट रेन्ड हैविली यस्टरडे. गर्मी लग रही है, इट इज़ गेटिंग हॉट. आज बहुत गर्मी है, इट्स सो हॉट टुडे, ऐसा भी हम बोल सकते हैं. और गर्मी लग रही है तो इट इज़ गेटिंग हॉट. ओके, तो ये हुआ अव्यक्तिवाचक मीन्स इम्पर्सनल सेंटेंसेस के लिए, जिसमें हम इम्पर्सनल बातें करते हैं. अव्यक्तिवाचक सेंटेंसेस होते हैं उनकी भी शुरुआत हम इट से करते हैं. ठीक फ्रेंड, तो अभी हम चलेंगे नंबर 3 पर. हम कभी कभी बातें करते हैं जिसे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए हम शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं, अपीयर, लुक, सीम्स.
तो जैसे सीम, अपीयर, लुक, साउंड, हैपन, इन शब्दों के लिए भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऐसा लगता है कि वक्ता ने कुछ तैयारी नहीं की है, ऐसा लगता है, तो ऐसा लगता है के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इट सीम्स मीन्स ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वक्ता ने कुछ तैयारी नहीं की है, इट सीम्स। अब इस सीम्स की जगह पर हम अपीयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इट लुक्स, बट साउंड और हैपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पर। इट सीम्स, इट अपीयर्स, इट लुक्स, तीनों में से किसी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इट सीम्स दैट द स्पीकर हैड मेड नो प्रिपरेशन, ऐसा लगता है कि अब वो नहीं आएगा, ऐसा लगता है मीन्स मुझे ऐसा लगता है, ऐसा भी बोल सकता हूँ। तो इट सीम्स या इट अपीयर्स दैट ही वोंट कम नाउ, ऐसा पहले कभी घटित नहीं हुआ था। तो इट हैड नेवर हैपेंड बिफोर, यहाँ पर इट सीम्स इट अपीयर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है नहीं है, यहाँ पर ऐसा पहले कभी घटित नहीं हुआ था। इट हैड नेवर हैपेंड बिफोर, कल्पना अच्छी लगती है, तो कल्पना अच्छी लगती है मीन्स कल्पना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, कल्पना मीन्स इमेजिन, तो फैंटेसी। इट साउंड्स अ गुड आइडिया, कल्पना अच्छी लगती है। मैंने आप ऐसे ही एक क्लास में एक बार एक लड़के को पूछा, स्टूडेंट को पूछा कि कल्पना अच्छी लगती है इसका इंग्लिश बनाओ, तो उसने फटाक से बोल दिया आई लव कल्पना, आई लाइक कल्पना, बट दिस इज जॉक, इट साउंड्स अ गुड आइडिया। ओके फ्रेंड, अभी हम चौथे नंबर पर चलेंगे कि इट का इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं। जब हम प्रोनाउंस का यूज सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं तब हम इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मैं हूँ, कौन है? मैं हूँ, तो मैं हूँ के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में? आई एम, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। तो चलिए हम इस तरह के सेंटेंस देखते हैं। जब प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, कौन है? हु इज इट, हु इज इट, मैं हूँ, मैं हालांकि प्रोनाउन है बट इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इट इज मी, तुम हो क्या? इज इट यू, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर कि तुम हो क्या, हम ये नहीं पूछ रहे कि तुम हो क्या, ऐसा नहीं, तुम हो क्या? तो इज इट यू, मैं नहीं था, इट वॉज नॉट मी, वो था, इट वॉज ही। अब तुम्हारी बारी है, इट इज योर टर्न नाउ, बेकार है, इट इज यूजलेस। ठीक है फ्रेंड, तो ये था, जब प्रोनाउंस को हम ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में तब हम उसके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी हम नंबर 5 को देखेंगे। नंबर 5, कुछ क्रिया यानी वर्ब के साथ भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे इसका बहुत अचरज होता है कि तू अकेले इतना कैसे कर सकते हो, मुझे इसका बहुत अचरज होता है कि तुम अकेले इतना कैसे कर सकते हो। तो इट अमेजेस या सरप्राइजेस, अमेजेस या सरप्राइजेस, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इट अमेजेस या सरप्राइजेस मी हाउ यू कैन डू ऑल दिस अलोन, इस बात का मुझे आश्चर्य है कि उसने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी। इट अस्टोनिशेस मी, अस्टोनिशेस का मतलब ही आश्चर्य होता है, अचरज होता है। तो इट अस्टोनिशेस मी दैट ही लेफ्ट सच अ गुड जॉब। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब सारी चीज़ें थी जहाँ पर हम इट का इस्तेमाल करते हैं, और इट का इस्तेमाल हम यह और वह के लिए भी करते हैं, जहाँ पर हम दिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
वहाँ पर हम ईट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईट का इस्तेमाल छोटे छोटे चीज़ों के लिए, छोटे छोटे प्राणियों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम करते हैं। और जैसे कि यह संभव है, तो दिस इज पॉसिबल बोल सकते हैं हम, वी कैन से, वी कैन स्पीक लाइक दिस दैट वी कैन से, वी कैन स्पीक लाइक दिस दैट इट इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। यह संभव नहीं है या वह संभव नहीं है, अगर हम वह भी बोलते हैं तो भी हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से हम इट का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इट का इस्तेमाल हम किन किन तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं और किस तरह से करते हैं। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।